आज इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि लूफी की बाउंटी इंडियन रुपीस में कितनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में लूफी की बाउंटी इंडियन रुपीस में जानने की चुल मची क्यों। एक दिन मैं अपने घर में चिल मार कर वन पीस को एंजॉय कर रहा था। उस दिन सब कुछ एकदम सुहाना जा रहा था सिवाय एक चीज के। मेरे घर में उस दिन टिंडे की सब्जी बनी हुई थी और मेरे और टिंडे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो आज मैगी खाते हैं। तो मैंने मैगी बनाना शुरू कर दी, लेकिन मुझे पता लगता है कि मम्मी ने सारे टमाटर टिंडे में डाल दिए हैं और मुझे मैगी टमाटर के तड़के के बिना उतनी ही अजीब लगती है जितना गोल्डी रॉजर मूंछों के बिना लगेगा। और उस समय मैं टमाटर खरीद भी नहीं सकता था क्योंकि पिछली रात मैंने सारे पैसे फैंटेसी क्रिकेट में टीम बनाने में उड़ा दिए थे। और पता है मेरी उसमें रैंक कितनी आई थी? मेरी उसमें रैंक आई थी 2 के पीछे 40, मतलब कि 20,000। और पता है मजे की बात क्या है, उसमें खेल भी 20,000 लोग ही रहे थे। इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैगी खाऊंगा तो टमाटर के तड़के के साथ ही खाऊंगा। और मैंने जोश जोश में डिसाइड किया कि मैं इसी वक्त पैसे कमा के टमाटर खरीदूंगा। बट मैं पैसे कमाऊंगा कैसे? मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और किडनी मैंने आईफोन के लिए बचा के रखी है। इसीलिए मैंने बनाया एक मास्टर प्लान, क्यों ना लूफी को पकड़ के मरीन्स के हवाले कर दिया जाए और उसकी बाउंटी से जो मुझे पैसा मिलेगा उसके टमाटर ले लेंगे। बट फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि 3 बिलियन बेरीज में कितने टमाटर आ जाएंगे? क्या है बेरीज की कीमत इंडियन रुपीस में? लूफी की बाउंटी को इंडियन रुपीस में मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो कितना आएगा? तो बस यहीं से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया और फिर मैंने अपनी रिसर्च करना शुरू कर दिया। और मुझे रिसर्च में पता लगता है कि मांगा और एनिमे में तो ये बताया ही नहीं गया कि बेरीज इंडियन रुपीस में कितनी होगी। बट निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मांगा और एनिमे में काफी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बेरीज की वैल्यू इंडियन रुपीस में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में तुमको पता चलेगा कि लूफी की बाउंटी इंडियन रुपीस में कितनी होगी। सो सबसे पहली चीज जिससे हम बेरीज को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो है वन पीस की मांगा का चैप्टर 476 का कवर पेज। इसमें हम देख सकते हैं कि एक लिजार्ड बंद गोभी बेच रहा है और इसमें एक सिंगल कैबेज की कीमत है 150 बेरीज और जो कैबेज सांजी ने पकड़ी हुई है वो लगभग 1 किलो के आसपास है। तो मतलब ये लिजार्ड 1 किलो कैबेज को 150 बेरीज में बेच रहा है। बट बबलू अंकल की दुकान में तो 1 किलो कैबेज सिर्फ 30 रुपए की आ जाती है। इसका मतलब समझे दया, 150 बेरी इक्वल है 30 इंडियन रुपीस के। तो बस अब हम इतनी सी इंफॉर्मेशन से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेरीज की कीमत इंडियन रुपीस में कितनी होगी। एक इंडियन रुपीस इक्वल है 5 वन पीस बेरीज के। और इसी के साथ हम लूफी की बाउंटी को भी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन पीस में लूफी की बाउंटी है 3 बिलियन बेरीज वानोआर के बाद, और अगर हम 3 बिलियन बेरीज को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो नंबर आता है 60 करोड़ रुपए। और इसी तरह तुम बाकी सब स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में बबलू अंकल ओपी लिखना मत भूलना क्योंकि अगर आज वो बंद गोभी नहीं बेच रहे होते तो पता नहीं मैं लूफी की बाउंटी इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुमने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरी तरफ से तुमको ये गोभी का फूल। और अगर तुमको जानने हैं वन पीस के कुछ धमाकेदार फैक्ट्स तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।